नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उसी ऑनलाइन अड्डा फॉर शीट चैंपियन ऑफिस। दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ बात करेंगे 79,000 को लेकर। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था लगातार दोस्तों शासन इस समय कोशिशें की जा रही हैं और अभ्यर्थी की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं कि सरकार की तरफ से अगला क्या स्टेप है उसको जानने को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों जानकारी मिल चुकी है। अगर हम बात करें दोस्तों आप सभी की याचिका को लेकर कि याचिका दोस्तों कब फाइल होगी और साथ में कब सुनवाई होने वाली है। सिंगल बेंच के स्टे के खिलाफ दोस्तों जो यहाँ पर चुनौती दी जा रही है, मतलब अगर बात करें जो उत्तर कुंजी का आदेश आया, जैसा कि आप सभी को बताए कि 12 तारीख तक भर्ती पर रोक लगा दी गई है, तो इसी के संदर्भ में दोस्तों डबल बेंच के अंदर याचिका वो दाखिल की जा रही है। सारी अपडेट को हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, पीएनपी की गलती की वजह से भर्ती पर एक बार फिर से स्टे लग चुका है। पहले भी गलती की गई थी जब दोस्तों 1.5 साल खराब हो गया था। अब ऐसे में आप सभी को पता है कि दोबारा से गलती हुई, उसी के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर सरकार डबल बेंच जा रही। लेकिन उससे पहले बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके मुझे बता दें कि सर अभी तो सिंगल बेंच का फाइनल नहीं हुआ है, तो डबल बेंच में कैसे जा सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं, मैंने एक बार कहा था कि भी सिंगल बेंच से फाइनल नहीं हुआ है और साथ में सरकार डबल बेंच में भी जा सकती है, सरकार के पास राइट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशेष परिस्थिति के अंदर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तो उसी चीज़ को लेकर दोस्तों अंतरिम आदेश के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट की डबल बेंच के अंदर दोस्तों याचिका दाखिल करने जा रही है। यहाँ पे भी अगर सरकार की अच्छी तरीके से पैरवी भी होगी तभी दोस्तों जो मामला यहाँ से फैन होगा, क्योंकि आपको पता है डबल बेंच के अंदर समय भी लगता है। अब दोस्तों एजेंसी फाइल की जाएगी, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितना समय ज़्यादा मिल सके उतनी जल्दी दोस्तों जो मामला निस्तारित हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, पंकज कुमार जायसवाल सर के साथ में फिलहाल जस्टिस राजेश सिंह चौहान बैठ रहे हैं, जिन्होंने 240-45 का फैसला सुनाया था 79,000 को लेकर, और साथ में डबल बेंच में दूसरे जज जो होंगे उम्मीद यही है कि इन्हीं की बेंच में जाएगा वो होंगे जिन्होंने 260-65 सुनाया था। हो सकता है कि दोनों एक साथ बैठ करके उत्तर कुंजी मामले को सुने, प्रबल संभावना है। तो यहां पर तो जो जानकारी निकल कर गया है निदेशालय की तरफ से, आप सभी को बता दूं, मैंने आपको बताया था दोस्तों एससीईआरटी पर लगातार अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, लगातार मंत्री से और साथ में दोस्तों अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है। उनकी तरफ से दोस्तों जानकारी दी गई कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब दोस्तों जो सुनवाई अगर बात की, जो याचिका फाइल होगी आज रात तक दोस्तों जो है स्पेशल अपील फाइल कर दी जाएगी। उम्मीद ऐसी है कि आज रात तक दोस्तों जो आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। पहले दोस्तों फाइनल नहीं किया जा रहा था, मैंने भी कहा था कि सरकार की तैयारी पूरी है। अगर बात करें अधिकारियों की तरफ से, साथ में मंत्री जी की तरफ से भी ऐसी आश्वासन देखने को मिले थे। तो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें सरकार की तरफ से, बताया जा रहा है कि आज रात तक जो अपील है फाइल कर दी जाएगी, और साथ में अगर बात करें सुनवाई होने की जो संभावना है वो दोस्तों शुक्रवार, मतलब यानी कि कल, या फिर दोस्तों अगर बात करें मंडे को ज्यादा संभावना देखने को मिलेगी। हालांकि हो सकता है कल भी लगा दी जाए, एजेंसी लगेगी, सरकार की अपील है तो शायद सुनवाई देखने को मिले। अगर कल नहीं होती तो मंडे के बाद ही दोस्तों आपको सुनवाई देखने को मिली, मंडे और ट्यूजडे के अंदर 100% संभावना कि इस केस की सुनवाई हो जाएगी। अब काफी लोगों के मन में सवाल काफी है दोस्तों, अगर बात करें हिस्ट्री को लेकर, विवादित प्रश्नों को लेकर, अब जब सुनवाई देखने मिली तभी दोस्तों आपसी को जो है कहीं ना कहीं चीजें यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। सिंगल बेंच के अंदर जिस तरीके से दोस्तों जो केस लड़ा गया था, जो साक्ष्य वहां पर रखे गए, तो उसके बाद डबल बेंच के अंदर क्या बदलाव देखने को मिलेगा वो सारे के सारे जल्दी अब क्लियर होने वाले। उम्मीद है दोस्तों आने वाले समय के अंदर जल्द दोस्तों जो है यहाँ पर सुनवाई देखने को मिलेगी, और लंबी तारीख ना मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा भर्ती को लेकर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ, लगातार अभ्यर्थी जो जिनकी तरफ से याचिका डाली गई थी सिंगल बेंच के अंदर, वो लोग भी डबल बेंच में दोस्तों जाने की जो पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार के खिलाफ दोस्तों वहाँ पर भी उनकी तरफ से लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मामला तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अब इंतजार है दोस्तों आज रात तक का, जब दोस्तों आप सभी के सामने अपील डाल दी जाएगी। जैसी ही अपील की कॉपी मिलती है आप सभी के सामने शेयर की जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और सुनवाई दोस्तों शुक्रवार या फिर अगर बात करें सोमवार को होने की प्रबल संभावना है। तो ये तो दोस्तों बात होगी। अगर हम बात करें दोस्तों आप सभी के आंसर की को लेकर, सिंगल बेंच के स्टे के खिलाफ दोस्तों जो चुनौती दी जा रही डबल बेंच के अंदर, वहीं पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आप सभी को जानकारी दे दी थी, जहां पर दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से अगर बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है जिसको लेकर दोस्तों संशोधन को लेकर विवाद था। लगातार अभ्यर्थी कहने की अगर बात करें प्रदर्शन भी कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, आगे भी जा रहे थे, और साथ में दोस्तों हाईकोर्ट से भी यहाँ पर याचिका जो है खारिज की जा चुकी है आप सभी के सामने देखने के मिला। उसी ऑर्डर के अंदर दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी की गई। अगर बात की ओएमआर को लेकर भी दोस्तों एक बार केस गया था हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां से भी दोस्तों सेम चीज़ें देखने को मिली थी। उनका कहना था कि जिनकी तरफ से ओएमआर नहीं भर पाते हैं, कहीं ना कहीं समस्या ये है कि वो शिक्षक कैसे बनेंगे। और वहीं अगर बात करें, कई अभ्यर्थियों को ऐसे भी दावे देखने के मिलते हैं कि जो मानवीय त्रुटियाँ हुई हैं कहीं ना कहीं अगर बात करें वो साइबर कैफे की गलतियों की वजह से हो जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि संशोधन को लेकर मौका नहीं मिलेगा। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट निकली, सबसे पहले आप सभी चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।